अपने चंदेल साहब और फतेह सिंह सुखना भाई दोनों ही थाना सागर रात को 8:30 बजे के करीब गेस्ट हाउस घूमने गए थे, तो वहाँ से घूम अपने कला मंदिर से वापस घूम कर आ रहे थे। इसी दौरान श्रीराम कॉलोनी की तरफ से एक बोलेरो कार, इसके नंबर तो बाजू गुजर लिखा हुआ था पीछे सफेद रंग की बोलेरो की, जो काफ़ी तेज गति से आई और उन दोनों को टक्कर मार दी, जिससे बोले पर बीच में आए तो सत्यनारायण जगत इलाज चल रहा है और चुना भाई को देखकर मृत घोषित कर दिया। उसकी लाश को रात को पोस्टमार्टम के रूम में रखा गया और उससे पोस्टमार्टम करवाई अगले दूसरी थोड़े को पता नहीं चल पाया, गाड़ी पर गुजर लिखा हुआ था सफेद रंग की पोलियो बताई, नंबर नहीं देख पाया। सीसीटीवी फुटेज चेक किए वहाँ पर रात क्या रात में उन्होंने फुटेज नहीं देख पाए थे, आप इस कारण से जानकारी करके उसका पता किया। सर आपका नाम बताया बोधेले से था, नौतम सुखना भाई था, उनके अजमेर का नाम था सत्यनारायण। कहाँ पे रहते थे ये गांव? तो उनका तलवास था जिंदी जिला, बाकी वो यहीं काफ़ी टाइम से यहीं काम धंधा करते हैं, यहीं बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो यहीं रहते हैं वो भी कोटा में। क्या हुआ था? वो सुखना भाई की थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही थी, गले में थोड़ी तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने बोला भाई दवाई गोली चल रही थी, डॉक्टर ने बोला भाई आप थोड़ा घुमा फिरा करो, तो ऐसे दोनों दुनिया अभी भी खाना खा के टहलने गए थे ये अपने श्री रामनगर डीसीएम रोड पे गेस्ट हाउस के पास, तो आ रहे थे पैदल, पीछे से एक बोलेरो आई वो देखे और निकल गई, उसके बाद फिर एम्बुलेंस मंगा के ध्यान दिया है, तो उनको तो वो तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया सुखना भाई को, तो और मेरे साले जी है वो जो फिर पिक्चर हो गया उनका इमरजेंसी में भर्ती है। अच्छा, कितने बच्चे बच्चे इनके हैं? और दो बच्चे हैं उनके। शादीशुदा है? नहीं, पढ़ाई करते हैं अभी, तो एक तो 20-21 साल का है, एक 17-18 साल का है। कहीं शादी की बात चल रही है? नहीं चल रही शादी, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं वो, तैयारी। अच्छा, ये जो चंदेल जी हैं क्या काम करते हैं? वो मुंशीगिरी का काम करते हैं, नरेंद्र की जी ठेकेदार जी हैं, डीसीएल फैक्ट्री में काम चलता है उनका, उनके पास मुंशीगिरी का काम करते हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम अजय कुमार। बोलेरो गाड़ी कितनी तेजी से चलती है? मेरा नाम अजय कुमार। कोटा से खबर दुष्यंत सिंह गहलोत। पैदल घूम रहे दंपति को तेज रफ्तार बोलेरो कार ने मारी टक्कर, महिला की मौत, पति घायल। कोटा उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डीसीएम में बुधवार रात को पैदल चल रहे दंपति को एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने टक्कर मार दी। वारदात के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में 38 वर्षीय महिला सुखना बाई पत्नी सत्यनारायण चंदेल निवासी गांव तलवास जिला बूंदी हाल निवासी डीसीएम उद्योग नगर की मौत हो गई। वही पति सत्यनारायण चंदेल के पैर में फ्रैक्चर आने से उन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस के अनुसार रात को दोनों पति पत्नी डीसीएम गेस्ट हाउस के पास पैदल घूमने गए हुए थे। श्री राम कॉलोनी की ओर से एक तेज रफ्तार बोलेरो कार आई और दोनों पति पत्नी को टक्कर मारते हुए निकल गई। दंपति को घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वह ही पति के पैर में फ्रैक्चर आने से एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला के रिश्तेदार ने बताया कि पति सत्यनारायण चंदेल डीसीएम फैक्ट्री में मुंशी का काम करते हैं, जिनके दो लड़के हैं, दोनों अविवाहित हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक महिला का शव परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।